देश के सबसे सुरक्षित जगह मानी जाने वाली नई संसद भवन की सुरक्षा में आज बड़ी चूक हुई। यहां दो युवक लोकसभा के अंदर सांसदों के बीच में दर्शक दिग्रह से उस वक्त कूद गए जब सदन की कार्यवाही जारी थी। इनमें से एक युवक पीछे से कूदते फांते हुए सांसदों के बीच जा पहुंचा और जूते से स्प्रे निकालकर पूरे सदन को धुआं धुआं कर दिया। अब इन लोगों की पहचान सामने आई है। लोकसभा के अंदर कलर क्रैक कर लेकर पहुंचे शख्स का नाम सागर शर्मा बताया जा रहा है। हालांकि अभी पता नहीं चल सका है कि सागर कहां का रहने वाला है और किस उद्देश्य से उसने इस घटना को अंजाम दिया। संसद की सुरक्षा में चूक को लेकर बुधवार को दो मामले सामने आए हैं। एक मामले में सदन के बाहर दो लोगों की तानाशाही नहीं चलेगी का नारा लगाते हुए प्रदर्शन शुरू किया। इनके प्रदर्शन शुरू करते ही पुलिस के जवानों ने हिरासत में लिया गया। इन दो प्रदर्शनकारियों में एक महिला भी थी। इनकी पहचान नीलम निवासी हिसार के रूप में हुई और वहीं दूसरे प्रदर्शनकारी की पहचान अनमोल शिंदे निवासी लातूर के रूप में हुई। माना जा रहा है कि संसद के अंदर और बाहर हुई दोनों घटनाओं में शामिल चारों लोग एक ही ग्रुप के हो सकते हैं। ट्रांसपोर्ट भवन के बाहर से पकड़े गए दो आरोपितों को ही संसद भवन थाने लाया गया। संसद के अंदर दर्शक दीर्घा के कूदने वाले दोनों युवक अभी संसद भवन सुरक्षा कर्मियों की हिरासत में ही हैं। उन्हें अभी दिल्ली पुलिस के हवाले नहीं किया गया है और संसद भवन के सुरक्षा अधिकारी उनसे पूछताछ भी कर रही है।